मात्र 10 दिनों में हमारे मुनक्का यानी कि मीठे अंगूर के पौधे जो है अंकुरित हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने घर पर अंगूर को बीज से कैसे उगा पाएंगे। आगे वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीज द्वारा उगाए गए अंगूर के पौधे को एक बार देख लीजिए कितनी अधिक मात्रा में इन पर जो है अंगूर आए हैं। गुच्छे भर भर के अंगूर आए हैं और ये बड़े ही स्वादिष्ट अंगूर हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, घर पे मुनक्का यानी कि अंगूर को उगाने की शुरुआत होगी अच्छी किस्म के मुनक्कों के साथ, जो कि आपको सामने दिख पा रहे हैं। बाज़ार से आप बढ़िया किस्म के कुछ मुनक्के खरीद कर ला सकते हैं। और मुनक्का, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ड्राई फ्रूट है, काफ़ी बलवर्धक है और शरीर की बहुत सारी कमजोरियों में ये बड़ा ही रामबाण उपाय है। यहाँ पर हम उनमें से भी अच्छी किस्म के 10-12 मुनक्कों का चुनाव करेंगे जिनके अंदर हमें बीज महसूस हो रहे हों। दबा के देख लीजिए आप प्रेस करके कि किस मुनक्के में बीज है। नया मुनक्का होना चाहिए, सड़ा गला या पुराना मुनक्का नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 10-12 मुनक्के चुनाव कर लिए हैं, उनके अंदर अच्छे बीज हैं। इसके बाद एक पात्र लेंगे प्लास्टिक का, और इस पात्र में मुनक्कों को डालकर उसमें हम ताज़ा पानी जो है भर देंगे। और पानी भरने के बाद इन मुनक्कों को हम छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए। हमारे मुनक्का पानी में भिगो रहे हैं, तब तक हम तैयारी करेंगे इनके बीजों को उगाने के लिए। यहाँ पर हम नर्सरी पॉट यूज़ करने वाले हैं जिसके तलैटी में बहुत सारे छेद हों, जिससे जो कि पानी ड्रेन होने में आसानी रहे और पानी भरे नहीं। इसके लिए हम इसमें जो है कंकड़ डाल रहे हैं। वाटर ड्रेनेज बंद नहीं होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने कंकड़ डाल लिए हैं। इसके बाद बीज उगाने के लिए हम जो मिट्टी यूज़ करने वाले हैं वो नॉर्मल मिट्टी है, बलुई दोमट, हल्की चिकनी और हल्की भुरभुरी। आप अपने बगीचे की ही लोकल मिट्टी यूज़ करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि मिट्टी में खाद वगैरह ज़्यादा ना हो, क्योंकि खाद बीज को अंकुरित होने से पहले सड़ा सकती है। तो यहाँ पर हमने खाद ली है और जो ग्रो पॉट हमने लिया था जिसमें कंकड़ डाले थे उसमें हम जो है मिट्टी भर लेंगे, लेकिन ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देंगे। जब मिट्टी भर जाए तो ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना है जिससे मिट्टी गमले में बैठ जाए। तो ये पहली प्रक्रिया हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसी पॉट के ऊपर थोड़ा सा एक और चीज़ डालेंगे, और वो अभी मेरे हाथों में है, ये है कोकोपीट। ये नारियल का छिलके से बना होता है और इसमें बीज बहुत तेज़ी से अंकुरित होता है। तो ये आपको नर्सरी पे मिल जाएगी, नर्सरी पे ना मिले तो आप ऑनलाइन बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, और अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो एक लेयर बिछा देंगे अपने कोकोपीट की। चलिए अब देख लेते हैं हमारे मुनक्के, देखिए पानी में भींग कर जो है फूल गए हैं बिल्कुल। और अब इस तरीके से प्रेस करके देखिए आप, बीज मुनक्के के अंदर से, जो अंगूर के अंदर से जो बीज है वो बाहर निकल आएगा। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सभी जो मुनक्के हैं उनमें से बीज निकाल लेंगे और इन बीज को एक पात्र में डालेंगे। अभी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इन बीज में से भी हम अच्छे अच्छे बीजों का चुनाव करेंगे, मोटे मोटे बढ़िया बीजों। और जो मुनक्का है उसे फेंकिएगा मत, पानी से धोकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं खाने में। बीज से पौधे उगाने का अलग ही आनंद होता है गार्डनिंग में। तो हमारे बीज जो है निकलकर तैयार हो गए हैं। पानी में हम साफ़ करेंगे इन्हें एक बार, जिससे चींटी वगैरह ना आए। 2-3 बार इसे धोइएगा पानी में अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो गमला हमने तैयार किया था ना कोकोपीट लगा के, उसी गमले में एक एक जो बीज है वो डाल देंगे। 5-7 बीज आप एक गमले में डाल सकते हैं अधिकतम, और छिड़काव विधि से डालना है।
इस तरीके से ऊपर ही बीज बिखेर देना है। बीजों को लगाने के बाद आपको दोबारा से कोकोपीट की एक लेयर बनानी है बीजों के ऊपर, और इसके बाद आप इसमें पानी देंगे, भरपूर पानी देंगे पहली बार। और इसके बाद इस गमले को ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर हल्की फुल्की धूप रहती हो, छाया रहती हो। बीच बीच में पानी देते रहिएगा सप्ताह में एक दो बार। एक सप्ताह बाद ही इनमें अंकुरण शुरू हो जाएगा और लगभग 10-12 दिन बाद आपके गमले में अंगूर के छोटे छोटे पौधे जो है तैयार हो जाएंगे।